अरे लिसिन लिसिन, मैंने कहा लिसिन। अभी आयो जी, अभी आयो। पतो ना कम्मू को लहसुन की का जरूरत पड़ गई। ओ मोए लगे कम्मू कच बना रही दीखे, या मारे लहसुन मांग रही है। चल भैया लानो तो परेगो। ओ माय गॉड, मैंने आपसे लहसुन नहीं मांगा था, सिर्फ तुम्हें कॉल किया था। कल किया था? जी नहीं, कल तो मैंने कछ ना करो। कल तो तुम्हारे हाथ पैरन में दर्द हो, तो कल तो मैंने तुम्हारे हाथ पैर ही दबाए। ओ माय गॉड, कैसे मेंटल से पाला पड़ा है। मेंटल ते चिंता मत करे, मैं साले मेंटल को ही तोड़ दंगो तेल लगाए के, फिर देखूंगो कैसे पड़ेगा सास को। ओ माय गॉड, मैं कहती हूँ गेट आउट। गेट भेड़ दऊं? अभी लो, अभी भेड़ू गेट को तेल लगाए के। सकटुआ देखिए, मुझे ऐसा लगे जैसे लुक्का जा रहा दिखे। हाँ भैया, लुक्का ही जा रहे हो है। सकटुआ? हाँ भैया, का बात है? मैं यो कह रहा हूँ, याकू आवाज मार लो, आज याई ते मौज लेंगे। ठीक है भैया। लुक्का, ओ लुक्का आ जा भैया। लुक्का बैठ जा, मैं यो कह रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो? कई दिन में दिखाई दियो, कहाँ गए हो? मैं तो कहीं ना गयो, मैं तो अपने घर के ही काम करूं तेल लगाए के। चो भैया, यहाँ भाभी ना है? चौ का बात है, मेरी बहू तो घर में ही है। अरे तो को पतो ना है, या की बहू पढ़ी लिखी है, घर के सारे काम लुक्का को ही देखने पड़े। सारे काम? हाँ भैया, सारे काम देखे है। अच्छा जी। हाँ, जैसे झाड़ू, बर्तन, कपड़ा और बहुत से काम है। अच्छा। हाँ भैया। फिर का बात है गई, काम तो करना ही पड़े। मेरी का बात है, जिनकी घरवाली एमए पास है ना पूरे नंबरनते, उनके तो आदमी काम करेंगे। लुक्का भैया, तू ठीक कह रहो है, हमारी घरवाली भी 16वीं पास है, हमें भी घर के सारे काम देखने पड़े हैं। ठीक कह रहो भैया, हमारी घरवाली भी 17वीं पास है, हमें भी घर के सारे काम देखने पड़े हैं। अरे भैया, ये बीज तो हमारी अम्मा ने बोए, मैंने अम्मा ते कही ही मेरे लैया बहू 16वीं पास ढूंढिए तेल लगाए के, पर अम्मा ने तो एमए पास ढूंढिए। अब तो भैया मो कोई भुगतनी पड़ेगी। अरे भैया, पढ़ी लिखी जनानी ते तो सभी परेशान। खैर छोड़ इन बातन को। ठीक कह रहो मोदुआ, इन बातन को छोड़, कोई गाना सुना दे। गाना सुनाऊं? हाँ हाँ, कोई गाना सुना दे। चल भैया सुनाऊंगो, पर मैंने बहुत दिन ते गायो ना है, पर तुम्हें गाना जरूर सुनाऊंगो तेल लगाए के। लुक्का वा गाने सुनइए, जाकू तू दिल्ली जाके सोनोटेक में गाने की कह रहो। अरे हाँ, गो तो बहुत जबर गानो है बेटा, वाकू तो मैं सोनोटेक में ही गाऊंगो तेल लगाए के। रे पहले हमकू तो सुना दे यार, दिमाग खराब है रो है। हाँ लुक्का भैया सुना देना। हाँ हाँ सुना दे भैया सुना दे। जब ज्यादा जोर कर रहे हो तो सुनाना तो पड़ेगा ही। हाँ हाँ सुना। तो सुन लो, सुनांगो अपबीती। को काम करूं मैं सारा, बहु शर्म ना करती है वो, नहीं किसी से डरती है। घर को काम करूं मैं सारा, बहु शर्म ना करती है वो, नहीं किसी से डरती है। सब दिन बतरावे,
डंडा लेके भागू तो सॉरी सॉरी वो करती है, वो नहीं काऊ से डरती है। घर को काम करूं मैं सारो, बहुत शर्म ना करती है वो, नहीं काऊ से डरती है, राय कमाई। जीवन में कुछ करना है या नहीं, या फिर ऐसे ही चप्पल चटकाते रहोगे? अगर कुछ करते धरते नहीं हो तो कम से कम इंसानों की तरह तो रहो। ओह, मेरे फ्रेंडों के पति कितने स्मार्ट बनकर रहते हैं। ओह माय गॉड, मैं क्या करूं? कभी अपनी शीशे में जाकर शक्ल देखी है? साबुन मोल का आता है, पानी तो मोल का नहीं आता। ओह माय गॉड, ये नहा भी नहीं सकते। ठीक है जी, अभी नहा रहा हूं तेल लगाए के। सुनिए, सब बाल वगैरह कटवा लो। अच्छा, अभी सारे बाल कटवा के आ रहा हूँ। ठहरिए, मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ और हो सकता है वहाँ से डिस्को निकल जाऊँ। लो, कुछ पैसे ले जाओ और सारे बाल साफ करा कर लौटना। ठीक है जी, मैं आज सारे बाल ही साफ करा के लौटूंगा। अस्सलामुअलैकुम भाईजान, आइए बैठिए। बाल कटवाने क्या? और का मैं घी भूरा खाने को आया हूँ, बाल ही कटवाने। पन्नो बता, मुते के पैसा लेगो तेल लगाए के? 10, 15, 20, कुल 45 रुपए लगेंगे भाईजान। हैं? 45 रुपए लगेंगे?
ये रेट तो भाईजान मैंने आपके लिए ही लगाया है, वरना काम तो 50 रुपए का है। या लुक्का, तू पे तो पैसा कम है तेल लगाई के। कितने पैसे हैं भाईजान? मुँह पे तो 5 रुपया है। कुल 5 रुपया? हाँ, एक काम कर, 5 में जितने बाल कटे उतने काट दे तेल लगाई के। अरे कोई बात नहीं, तू भी क्या याद रखेगा, किसी रईस नाई से पाला पड़ा है। जा, 2-4 बाल इधर या उधर। अबे मैं भी पैसे का मुंह नहीं देखता। ठीक है भैया, बैठो कुर्सी पर। अबे ही बैठ रहा हूँ कुर्सी पे तेल लगाई के। बैठो भैया, याद करोगे क्या कटिंग की है? अरे हमें याद करने थे का मतलब, हमें तो ये सारे बाल सफा कराने हैं। अरे भैया, अरे ये क्या कर दियो, मेरे तो बहु मारेगी घर जाके तेल लगा के। अरे भैया, अबे रोकू रहे हो, माँ से अल्लाह जितने पैसे दिए थे उतने के बाल काट दिए। अबे 2-4 बाल ज्यादा काट दिए। माँ से अल्लाह कितने स्मार्ट लग रहे हो, खुदा कसम नूर आ रहा है। बेटा मेरे तो मजे आ गए, कम्मो भी ऐसे ही कह रही कि दुनिया के आदमी हैंडबॉल पे माट बने रहते। बेटा मैं तो ऐसे ही बनूंगा तेल लगाए के। बेटा मेरी कटिंग देख के कम्मो खुश रह जाएगी, अब तो मैं अपने घर को जा रहा हूँ। आहा ओ आई, बेटा मजे आ गए। मैं कम्मो, मैं, अरे मैं तेरो लुक्का, अरे कम्मो ओ कम्मो मैं तेरो लुक्का। चोर डकैत लुक्का बनकर मेरे घर में घुसाया, अभी बताती हूँ। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, अभी तो पुलिस का मजा और चखाऊंगी। हाय दया रे दया, ये बहू किसे पीट रही है? हाय राम, पल्लो पर गई, ये तो अपने खसम को ही पीट रही है। अरे बहू तनक भी शर्म लिहाज ना रही, कतई उतार के फेंक दई। ए 4 दिन को भैया के यहाँ जापो करने कहा चली गई, याने तो घर का नरक बना दिया। मार मार के मेरो बेटा लुक्का याने गंजो कर दिया, हद कर दई। अरे लुक्का के बापू देख ले बहू के नजारे। अरे याने तुम्हारे बेटा का क्या हाल बना रखा है? अरे तुम तो बड़े हंसते बहू ब्याह के लाए हैं। अरे तुम्हें का पता लुक्का के बापू कितने बोल कबूल करे मैंने जब लुक्का हुआ। तुमने तो 4 बोरी शक्कर बाटी पूरे गांव में। और याद है बिटारा पे चढ़ के तुमने फूल का बेला बजाया। अरे तुम्हारे तो दिल का टुकड़ा। क्यों शोर मचा रही हो? मैंने क्या कर दिया, क्या शक्ल बना रखी है? मैंने तो इनके लिए पैसे दिए थे कि ये बाल दाढ़ी बनवा कर आओ, लेकिन ये तो और बुरी से बुरी शक्ल बना कर आए हैं और चोरों की तरह घर में कूदे हैं। ओ माय गॉड, मेरी तो नाक में दम आ गया है। इस घर में रहते रहते मेरा तो दम घुटने लगा है। क्या कहेंगी मेरी फ्रेंड्स कि ये कम्मो का हस्बैंड है? अब मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूंगी, अपने डैडी के यहाँ वे दोस्तों में शान से रहूंगी। रहे या मत रहे तेरी मर्जी, घर में आने की देर ना हुई मेरा तो सर फटियो जाए। संभाल लुक्का या पटरानी को। अब तो मुझे संभालनी पड़ेगी, और कौन संभालेगा?
कम्मो हो कम्मो कम्मो, देखी ते नहीं तो कही के गे सारे बाल कटवा का आओ, ते नहीं तो मोकू पैसा कम दिए, जितने पैसा दिए उतने के बाल काट दिए, या मैं मेरी कोई गलती ना कम्मो, तो कु मैं चोर और भौड़ो लग रहा हूँ, नायको नो कह रो गे इंग्लिश स्टाइल के बाल है बेटा, गे अमिताभ बच्चन कटिंग है, पतो है मैं कितना माट लग रहा हूँ, जब मैं सर में तेल लगाए के आंखों में काजल डाल के निकलंगो ना, छोरी देखती रह जाएंगी मेरी माई को। ओ माय गॉड, मैं एक पल भी ऐसे मेंटल के पास नहीं रहूंगी। कम्मो तू मो छोड़ के मत जा, मैं तेरे बगैर मर जाऊंगा तेरे बगैर। जाऊंगी। जावे लुक्का रो रो के मर जावे, कम छोड़ के मत ना जावे लुक्का रो रो के मर जावे, त्रिजोड़ू दोनों हाथ है हाथ में तोते कछु कहू ना, मत जा कम्मो मेरी जान मेरी जान तेरे कम्मो मर जाऊं, तेरे बिन मैं रह ना पाऊं, बिन तेरे कम्मो मर जाऊं, तू मान ले मेरी बात है, बात है साची झूठी कछु ना, मत जा कम्मो मेरी जान मेरी जान, मांग गई पिया अब ना जाओ
अरे बाबा पर कोई काम तो करो। ठीक है कम्मो, मैं करूँगा और खूब पैसा कमाऊंगा तेल लगा के, तो कुछ जलेबी लेके आऊंगा। मैं कुछ काम करने की सोच रहा हूँ तेल लगा के। हाँ भैया, महंगाई बहुत है गई है, बगर कमाए आदमी की अब पेशना पर है। भैया मोकू कोई काम बताओ, मैं का काम करूँ तेल लगाए के। एक काम तो भैया हमारे दिमाग में भी है। बता भैया का काम है। पर तो पे है नी को ना है। भैया तू बता तो सही, मैं सारे काम कर लूंगा। कर लेगा? बिल्कुल कर लूंगा, मैं बहुत परेशान हूँ भैया। तो सुन, काई स्कूल पे जाके गज्जक बे गज्जक है, गज्जक में बहुत ही कमाई है। अच्छा जी। हाँ भैया। ठीक है, तो या काम को तो मैं आज से ही जोड़ दूंगा। ठीक है भैया। अच्छा जी, राम राम। राम राम भैया, राम राम। कम्बो मैं आएगा, मैं तो आएगा। क्या है, क्यों शोर मचा रखा है? क्या आप आ गया? कुछ करने धरने की कही थी, उस पर तो ध्यान दिया नहीं, यारों में गाल बजा कर आ गए। ना कम्मो, ऐसी बात ना है। तो और क्या बात है? मैं कुछ करने की सोच रहा हूँ, अब तू ही बता मैं का काम करूँ। तू तो पढ़ी लिखी है, तू तो एमए पास है पूरे नंबर अंते। वो सब तो ठीक है, पर करना तुम्हें है, जो तुम्हारे मन में है वो करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। तो सुन कम्मो, जाड़े चल रहे हैं, सकटुआ मोधुआ भी कह रहे मोते के जाड़े में गज्जक का काम बहुत जोरते चले। सब लोग जाड़े में अपनी अपनी बहुन को बता दूं गज्जक लेके जावे और आमदनी भी अच्छी है जावे। ठीक है बाबा, मैं कब मना कर रही हूँ, इसी काम को कर लो, इसी के डीलर बन जाऊ ना। ठीक है कम्मो, या काम को तो मैं आज ते ही जोड़ दूंगा तेल लगाए के। ठीक है कर लो, पर करोगे किससे? दांतों से? बिजनेस को भी पैसा चाहिए, पैसा। हाँ कम्मो, ये तो सही कह रही है तू, ये तो मैंने सोची भी नहीं, पर तू चिंता मत करे, मैं सारे घर के पिछवाड़े वाली कुर्री को बिटोरा को और तो और मैं सारे कटरा को भी बेच दूंगा। चिंता मत करे तू बिल्कुल भी। तू चिंता मत करे, शर्म नहीं आती? ठहरो, ये लो जाकर लक्ष्मी माँ को नमस्कार करके काम शुरू कर दो। ठीक है कम्मो, ठीक है, मैं अब ही जा रहा हूँ। Oh my God, what nonsense! करारे मेवे, ओए करारे मेवे, ओए करारे मेवे। ओ, या को मतलब आवाज लगाने ते ज्यादा बिक्री होवे। बेटा लुक्का, तू भी अपनी आवाज लगा, जबी गे आंगे गज्जक लेवे कु। ओए होए, लाल हो रही है गज्जक, लाल हो रही है गज्जक, ओए होए, आज तो लाल हो रही है गज्जक। मेंटल कमबख्त मरा, आज जो गेट पर गज्जक वाला गज्जक बेच रहा है, मेरी लाल साड़ी को देखकर आवाज लगाने लगा, लाल हो रही है गज्जक, लाल हो रही है गज्जक। अच्छा उसके ये मजाल, एक बार राखी को भेजते हैं, इसने हरी साड़ी बांध रखी है। ओए होए, हरी हो रही है, ओए होए, हरी हो रही है गज्जक, हरी हो रही है गज्जक, ओए होए, हरी हो रही है गज्जक। बदतमीज कहीं का। सोनिया, ये तो बड़ा बदतमीज आदमी है, मेरी हरी साड़ी को देखकर ना आवाज लगाने लगा, हरी हो रही है गज्जक। अच्छा उसके ये मजाल, उसे अभी मजा चखाते हैं। ओए होए, ओए होए, काली हो रही है गज्जक, ओए होए, आज तो काली हो रही है गज्जक, ओए होए। ये ले, ये ले, मर गो, ओले, मर गो, ये ले, मर गो, ये ले, आए, ये ले, अरे भैया, ओए होए, अब आयो मत, आज तो खूब कुट रही है गज्जक, खूब कुट रही है गज्जक, खूब कुट रही है गज्जक।
अरे रे मर गो, अरे कम्मो, अरे मोए बचा ले, कम्मो मोए बचा ले, अरे मोए नो पताई कि ऐसी कुटाई हो गया गज्जक की एजेंसी में, अरे मोकू बचा ले, कम्मो मोकू बचा ले। क्या हुआ? अरे मोए ना करनी गज्जक की एजेंसी, मोए ना करनी, मोए का पता ही क्या गज्जक की एजेंसी में कुटाई हो गए है तेल लगा के। अरे बाबा क्या बात हुई, कुछ बताओ तो सही। अरे बात का हुई, मैंने गज्जक की एजेंसी स्कूल के गेट पे खोल दई और वहाँ बैठ गयो और दूसरी माई को मूंगफली मारो, आवाज मारो। फिर? अरे फिर का, वहाँ नई नई छोरी आई सज सज के। फिर क्या हुआ? फिर का मैंने देखो मूंगफली वाले ने आवाज लगाई, करारे बेबे, देखा तो लोड़िया मूंगफली लेने लगी। मैंने सोची आवाज लगाने तो ज्यादा बिक्री हो, मैंने आवाज लगानी शुरू कर दी। कैसी आवाज लगाई? अरे गेई लगाई, लाल हो रही है गज्जक, लाल हो रही है गज्जक। फिर? अरे फिर का, अरे कोई ना आयो। फिर क्या हुआ? फिर मैंने आवाज लगाई, ओए होए हरी हो रही है गज्जक, हरी हो रही है गज्जक। वेल डन, फिर क्या हुआ? अरे फिर का हो तो, फिर का लोड़िया मुंह बना के चली गई, फिर मैंने आवाज लगाई काली हो रही है गज्जक। अरे मैंने की आवाज लगाई के एकदम से कई भी जाननी सी वो पे टूट पड़ी। अरे मेरे ऊपर दे सेंडल मेरा सारो हिसाब किताब बिगाड़ दियो। अरे मो का पता ही क्या गज्जक की एजेंसी में कुटाई करे छोरी, अरे मो बचा ले, कम मो बचा ले। अरे जल्दी ते संकल लगा दे, मेरी कदी यहाँ भी आके गज्जक कूट जा, अरे लगा दे संकल। इसका मतलब ऐसे कि तुमने एजेंसी, ऐसे होता है कि बिजनेस तुमने एजेंसी बेजेंसी के नाम पे लड़कियों को छेड़ा है, उनकी इज्जत से खेले हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी नजरों से दूर हट जाओ, चुल्लू भर पानी में नहीं मरा जाता। मैं यहाँ एक पल नहीं रहूंगी, मैं आज ही अपने डैडी के पास चली जाऊंगी। कैसे बुद्धू को मेरे भाग्य में लिख दिया है, क्या क्या नहीं सहा मैंने इस घर में। मेरी शादी को 4 साल हो गए, कुछ नहीं सुख देखा। रानी मोना टीना पे 4-4 बच्चे हैं और 5वां होने वाला है, और यहाँ चूहे का बच्चा भी नहीं है। चिंता मत करे कम्बो, तू चिंता मत करे, अब मैं कोई और काम ना करूंगा, बस बालक ही करूंगा। तू चिंता मत करे कम्बो, चिंता मत करे। ओ माय गॉड इडियट, ओफो, मैं अब यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी, मैं आज ही अपने डैडी के पास चली जाऊंगी। अरे कम्बो ऐसो मत करे, ऐसो गजब मत ढावे कम्बो, अब तू जैसे कहेगी मैं ऐसे ही करूंगा। कम्बो तुम वो छोड़ के मत जाइए, तुम वो छोड़ के मत जाइए, नहीं तो मैं अरहर के पेड़ पर लटक के मर जाऊंगा। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, गेट आउट और जाकर बैद जी से दवा लगवा लो। हाँ कम्बो मैं भी जा रहा हूँ बैद जी पे दवा लगवाने को, पर तुम वो छोड़ के मत जाइए, मैं तेल बगैर मर जाऊंगा, तेल लगा के वो छोड़ के मत जाइए कम्बो, मैं मर जाऊंगा। बैजी, ओ बैजी, मर गयो बैजी, मर गयो बैजी। अरे बैजी तो जिंदा है, मगर लुक्का बेटा तुम्हें क्या हुआ, क्या एक्सीडेंट हो गया या कहीं झगड़ा वगैरह हो गया है? बैजी ना कोई एक्सीडेंट हुआ और ना कोई झगड़ा हुआ, अरे गज्जक कुट गई, गज्जक गज्जक कुट गई, गज्जक कुट गई। हाँ बैजी गज्जक कुट गई। अरे गज्जक कुट गई तो कुट जाने दो, तुम्हें क्या हुआ? अरे बता रहा हूँ बैजी, बता रहा हूँ, अभी बताऊंगा। हाँ बताओ और चुप हो जाओ। बैजी हाँ, मैंने कम्बो के कहने थे गज्जक की एजेंसी ले ली तो, और गज्जक को बिजनेस करे हो, बिजनेस
तो फिर आगे क्या हुआ? आगे का हुयो, जमींदार की लोड़ियन ने अपनी सहेलिन के संग मिलके स्कूल के गेट पे ऐसी कुटाई करी मेरो सारो हिसाब किताब बिगाड़ दियो। अच्छा, वो मालूम है बैज जी का? चेटा लाल ने जमींदार के खेत में थे तिल चुराए होंगे तो? और जमींदार की लोड़ियन को पता चल गई है, जभी तो वाले चोर समझ के मेरी कुटाई करी है। ओफो, तो तुम्हारी बिजनेस में फिटनेस हो गई? का बैज जी, फिटनेस है गई? हाँ, फिटनेस हो गई। ये कौन सी बीमारी है बैज जी? अरे कभी कभी जवानी में ये बीमारी लग जाती है, मगर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दवा दिए देता हूँ। ठीक है बैज जी। ये लो गोली, खा लेना और ये मरहम लगा लेना, और सुनो, दवा खाली पेट मत लेना। ठीक है बैज जी, खा लूंगा मरहम, लगा लूंगा दवा। का खा के लेऊं दवा? अरे कुछ भी खा लेना, कोई फल वगैरह। ठीक है जी, ऐसी करूंगा। आए अरे री, अब कैसे होएगी, आए चोट गहरी है, आए भैया कच्छ फल खा के ही दवा लेनी पड़ेगी, कच्छ फल खा के ही लेनी पड़ेगी भैया दवा, तो खाली पेट तो लेनी ना, बैज जी ने मने करी नहीं है, कभी और कच्छ बीमारी बन जावे। ए तरबूज बारो, चली आई ते बूज ले, कैसे दिएगे तरबूज? ले लो भैया, बोहने का समय है, अगर एक तरबूज लोगे तो 125 रुपए का मिलेगा और 2 तरबूज लोगे तो 2 रुपए के मिलेंगे। अरे दो लोन को यान दे। लो भैया, तरबूज बहुत मीठे हैं, याद करोगे खाकर? अरे हमें तो गे फल खा के दवा खानी है, हमें क्या कर लो है? भैया ये क्या कर रहे हो, गोली तो खाते हैं और मरहम लगाते हैं, आप तो बिल्कुल उल्टा कर रहे हो। अरे बैज जी ने जैसे बताई है ऐसे ही तो करंगो, तेरे बाप दादन ने बड़ी दवा खाई है, तू बनो डॉक्टर। ठीक है भाई, आपकी मर्जी। ओ, 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 लुक्का, ओए लुक्का, तो ढूंढती बैज जी के यहाँ पहुँची बेटा, मोय मालूम पड़ी तो टेटनेस है गई है। अरे अम्मा री, हाय, अरे मेरा बड़ी खतरनाक बीमारी है गई है माँ, अरे मेरा टेटनेस की बहन फिटनेस है गई है। अब मैं ना बचंगो, कम्मो, अरे कम्मो, अम्मो को बचा ले, अम्मो को बचा ले। अरे बेटा कम्मो घर पे ना आए, तू तो छोड़ के अपने बाप के घर को चली गई, तेनी सिर चढ़ाई बहु। कहा कम्मो घर छोड़ के चली गई? अरे कम्मो, तू मुझे छोड़ के चली गई री, हाय मैं तो तेरे बगैर तिल लगाए के मर जाऊंगी, हाय अरे तू तो मोकु अपनी माते भी प्यारी लगे री, हाय अरे अभी बालक करने को टेम आयो, अब मैं कैसे करूंगा री, हाय अरे कम्मो, मैं तेरे बगैर सन के पेड़ पे चढ़ के मर जाऊंगा री, अरे कम्मो अरे अभी तो टेम आयो हो, मैं तेरे 2-4 डांट ले कर देता हूँ, अरे मैं तेरे बगैर कैसे करूंगा री, हाय कैसे गधे की तरह रंभारो है, जैसे तेरी अम्मा मर गई हो वह हूर की परी को इतना रंभारो हो, इतना तो जब भी ना रोयो जब तेरे बापू मरे। अरे बापू मरे तो तू और कर लेती।
अब मैं कैसे कहूंगो, मैं तो अपनी बहू का अकेलो ही हूँ। बुरी शक्ल के ये फोटे मोटे जवान संभाल के बोल, तू ही अपनी बहू के अकेलो है और इनके तो चार चार खसम होवे हैं। अरे मोए कछना पतो, अरे मेरी चम्मच, तू मोए छोड़ के कहाँ चली गई? फूफा की कसम मैं तेरे बगैर मर जाऊंगा। अच्छा बेटा अब रोबे मत, चुप है जा, कम्मो को बुलाऊंगे, ऐसो ना हुए रोने तेरो कलेजा बाहर आ जा। अरे कहीं करेजा बाहर ना आ रो तेल लगाए के, मेरा करेजा तो कम्मो के पामन में ही रहवे। अच्छा मेरे लाल चुप है जा, देखियो ये लोग कहा कहेंगे बहू के मारे रो रोए। अरे गे कहा गंगे, इनकी बहू का एमए पास है। अच्छा अब तू चुप है जा और घर को चल, बहू को बुला लेंगे या जाके तू ले आइयो। खा फूफा की कसम। हाँ तेरे फूफा की कसम। तो ठीक है चल घर, घर चल के फूफा जो तो कु टैटी का चल लाए जब मैं तेरे पेट में हो, वह टैटी के अचार थे मुझे दो रोटी दे दिए, मेरा जी साफ है जागो। ठीक है चल। चल लो अम्मा चल लो। अरे शायद काम नहीं आ गई। नमस्ते पापा। अरे बेटी काम नहीं, आजा सब ठीक ठाक तो है ना? चुप हो जा, चुप हो जा, रो मत। पापा कुछ ठीक नहीं है, मेरा जीवन तो नरक हो गया है। जब मैं पढ़ती थी, लिखती थी, शॉपिंग जाती थी, पिकनिक जाती थी, अब तो पापा मैं उस जाहिल के साथ कम्मो हो गई हूँ। कम्मो, ओह माय गॉड कम्मो। कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं, ये सब तो गृहस्थी में चलता रहता है, और आजकल के लड़के प्यार से कुछ और ही प्यारा सा नाम रख लेते हैं। वो सब तो ठीक है पापा, पर मेरा तो भाग्य ही फूट गया। ऐसा क्या हो गया बेटी? पापा वो बिल्कुल जाहिर गवार उल्लू है पापा, उसे किसी बात का ज्ञान नहीं है, मैंने उसे बहुत निभाया, अब मेरे बस में नहीं है। ऐसी तो कुछ बात नहीं बेटी, तेरी मौसी ने ही तो लड़का पसंद किया था, बताया था अकेला लड़का है, काफी जमीन जायदाद है, बेटी राज करेगी राज। नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं है, मेरे साथ धोखा हुआ है धोखा। अच्छा? हाँ पापा। तो आ गई लाडली यहाँ मटर गस्ती करने को, चार दिन ससुराल में करके नहीं खाया गया, मैं देखूंगी कैसे मौज में रहेगी, ये सोच रही होगी कि बाप की सारी जायदाद को हड़प लूं। तुझे भी मैंने छींक नहीं दिवाई तो मेरा भी नाम सत्तो नहीं सत्तो। अरे मेरी बेटी मेरे लाडो तू आ गई, और सुना तू ठीक तो है ना, किसी बात की कोई परेशानी तो नहीं? ना मौसी सब ठीक ठाक है। चल आजा हाथ पैर धो ले, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ। हाँ बेटी तू चाय पानी पी और अपनी मौसी से बात कर, मैं सत्संग में जा रहा हूँ, गांव में बहुत बड़े महात्मा आए हुए हैं, बड़े ज्ञान ध्यान की बातें सुनाते हैं, कल वल को तुम भी चलना। या लुक्का मैं तो सूदो खेत पे ही आ रहा हूँ, तेरे तो डाको सो पड़ गयो, बड़ो जुलम हुयो भैया, भाभी चली गई कहीं यहीं परसों। बिल्कुल भी कच्चा जी मत करे, बता का परेशानी है? परेशानी सुन लो भैया। सुना? ये है परेशानी, अरे, 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 अरे,
छोड़ चल गई हो, मो कम्मो छोड़ चल गई लगा गई तालो रे, मेरे घर को कर गई नाच कर गई चालो रे, मेरे घर को कर गई नाच कर गई चालो रे। हर बात पर झगड़ा करती तो नहीं किसी से डरती, अपनी मनमानी करती बस क्रीम लिपस्टिक मलती, हो हर बात पर झगड़ा करती तो नहीं किसी से डरती, अपनी मनमानी करती बस क्रीम लिपस्टिक मलती, ऐसी कटिंग करा के रखती, ऐसी कटिंग करा के रखती लगे मधुबाला रे, मेरे घर को कर गई नाश कर गई चालो रे, मेरे घर को कर गई नाश कर गई चालो रे। पास लुगाई जब ते मेरे घर में आई, मेरी जान तबाही में आई, हो मैंने अम्मा लाख मनाई मतला एम पास लुगाई, जब ते मेरे घर में आई मेरी जान तबाही में आई, ना करती ने के सुनाई ना करती ने कि सुनाई करे सब टाला रे, मेरे घर का कर गई नाश कर गई चालो रे, मेरे घर का कर गई नाश कर गई चालो रे। मेरे मन की बात न समझे डारो ऐसी मुश्किल में, हो मैं रंग हुआ के रंग में पर प्यार नवा के दिल में, मेरे मन की बात न समझे डारो ऐसी मुश्किल में, गावे बप्पू चौधरी स्वर में, गावे बप्पू चौधरी स्वर में सरदार नगर वाला रे, मेरे घर को कर गई नाश कर गई चालो रे, मेरे घर को कर गई नाश कर गई चालो रे, मोए कम्मो छोड़ चली गई लगा गई तालो रे, मेरे घर को कर गई नाश कर गई चालो रे, मेरे घर को कर गई नाश कर गई चालो रे। भैया ये तो बड़ी परेशानी की बात सुनाई तेने। कच्चो जी बिल्कुल मत करे, हिम्मत के काम ले, भगवान सब भली करेंगे। भैया मैं बिना कम्मो के रंगो ना तिल लगाए के अब बताओ वाकू कैसे लेके आऊं? अरे लुक्का तू एक काम कर। हाँ बता भैया का काम करूं? एक काम कर, अपने संग हंसराज जी को ले जा। हंसराज जी? अरे हाँ हंसराज जी जो सोन अटैक के मालिक हैं। अरे मैं खूब अच्छी तरह जानू हंसराज भैया को, गो मेरी शादी में भी आए। हाँ हाँ अब तो वो लिवा के ला सके हैं, और काई के बस की ना है। अच्छा जी। हाँ और एक बात सुन, जिनकी बहू ऐसे छोड़ कर चली जावे है ना उन्हें हंसराज जी लिवाए के लावे हैं, जब सुन लेगी कि हंसराज जी आए हैं तो लुक्का तेरे संग कम्बो गोली की चोट पे आवेगी। अच्छा भैया। हाँ और एक काम की बात सुन, ऐसी बात सुनने में आई है कि 50-50 कोस तक जब काई की छोरी अपने आदमी को छोड़ के घर आ जावे है ना तो छोरी की माँ कहवे
कि बेटा वापस चली जा वरना हंसराज जी आ जाएंगे। तो ठीक है भैया, मैं आज ही हंसराज भैया को लेके जा रहा हूँ। ठीक है भैया जा। अच्छा भैया राम राम। राम राम भैया राम राम। अरे लुक्का, ओए लुक्का, कहाँ मर गए जाके? अरे अम्मा मैं तो यही हूँ, बता का बात है तेल लगाए के? अरे बेटा मेरी पिंडली फटी जाए, दो दो हाथ मार दे। अरे तेरी पिंडली में तो हाथ मैं दो चार दिन बाद भी मार दूंगा, पहले मैं ससुराल ते कम्मो को ले आऊं। रे लुक्का के बापू, तुम छोड़ के चले गए, के सत्यानाशी तो मेरी सुनता ही ना है। रेया की जगह मेरे ईट पैदा है जाती, तो कम ते कम कई खोर में तो लगती। माँ 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 तू रोवे मत ना, मैं माँ कम्मो को लेकर आऊंगो और तेरी खूब सेवा करवाऊंगो तेल लगाए के। बहू को का दांतन ते लेके आएगा, घर में तो फूटी कौड़ी भी ना है, 100-200 रुपया तो चाहिए, कछु लेके भी तो जाएगा, बाजार को मामलो है। तू चिंता मत करे, पैसा की कोई जरूरत ना है, एक तो लेके जाऊंगो कांसी फल, एक गुड़ का भेला, शहर वाले को तो कांसी फल अमृत है अमृत, उनको काय को मिले खावे को कांसी फल। तू चिंता मत करे, मैं अभी जा रहा हूँ। ठीक है जा, तू बहू को लेके आ जा। मम्मी जी पामन लगू। जीते रहो बेटा, बने रहो, दूध नहाओ पूता फलो। भेंजी पामन लगू। अरे रे, ये क्या कर रहे हो? मैं तो आपकी साली हूँ और आपसे बहुत छोटी हूँ, आप तो मुझ पर पाप चढ़ा रहे हो। अजी सारा पाप चढ़ जाओगे, सारे के मार मार के लाठिन के सिर फोड़ दंगो, सारा पाप ही है गयो जो चढ़ जाओगे, हम तो बेकार ही रहे। मेरो नाम भी लुक्का है लुक्का। अच्छा बताओ सब ठीक ठाक है? हाँ जी सब ठीक ठाक है, पर कम्मो कहाँ है? मैं वाकू जलेबी ले आया हूँ, दिखाई ना दे रही, कहाँ चली गई कम्मो? महारानी जी आराम फरमा रही हैं, जब से आई हैं कुछ करना न धरना, बस इसको तो सब कुछ खाट पे ही दे दो करके, बाप की ज्यादा लाड़ लिए सिर चढ़ा रखी है, रोज तीसरे दिन महारानी माई के चली आती है, काम काज कुछ बस की नहीं। मैंने लाखों में एक लड़का देखा, रंग रूप से बोलने चालने में और घर परिवार में क्या कमी है दामाद जी, मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया, आपकी लाइफ डिस्टर्ब कर दी। ना मम्मी जी ना, तुमने तो बहुत ही पुण्य का काम करे हो तेल लगा के, मेरे संग तुम्हारे बहुत एहसान है, मैं जिंदगी भर ना भूलूंगा, भगवान तुम्हें हर जन्म में मेरी बहू की माँ बना में तेल लगाए के। वो तो ठीक है, पर कभी कभी मेरा मन तुम्हारी तरफ सोच कर बहुत दुखी हो जाता है कि राजकुमार जैसे जमाई को कितना तंग कर रही है। कोई बात ना है, घर परिवार में ये सब तो चले ये तेल लगाए के, पर कम्मो को जलेबी दे दो, ठंडी है जाएंगी तेल लगाए के, पिन्नी में दुबका के ले आऊ मैं। वो तो ठीक है, पर जमाई राजा सिर मत चढ़ाओ वरना बहुत दुख देगी तुम्हें, अब के ले जाके बिल्कुल मत भेजना, ठीक है? ठीक है मम्मी जी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी बात को पानी दंगो, अभी तो कम्मो बाला के सब समझ जाएगी तेल लगाए के। कम्मो, अरे मेरी कम्मो, तू ठीक तो है ना तेल लगाए के? ले जलेबी खा ले, मीठी है कम्मो, खा ले। खाइए खाइए, आप ही खाइए और साथ में अपने दोस्तों को खिलाइए। नो थैंक्स। अरे कम्मो ऐसो मत करे, तो को पता ना आए, माँ के पेटी कोट के नेफे में ते पैसा चुरा के मैं तो को जलेबी ले आया हूँ, मीठी है कम्मो खा ले, बहुत मीठी है, बहुत ही मीठी है, खा ले। मैंने कहा ना मैं नहीं खा रही, और यहाँ से चले जाओ, मेरा पीछा छोड़ दो। गे का कह दी कम्मो तेने मोते, तेरो
मेरो तो जन्म जन्म को साथ है तिल लगाए के। मैं तोता, तू मेरी मैना। मैंने कहा ना, मेरा भेजा मत खाओ और यहाँ से चले जाओ। ऐसे कैसे चले जाऊंगो अपनी मैना के बिना। तू तो मोकु अपनी माते भी प्यारी लगे तिल लगाए के। वह गोरी सुन ले मेरी बात, अपने घर को चल मेरे साथ, से हाथ मिला ले री, माई के घर ते अपने घर को कदम उठा ले री, माई के घर ते अपने घर को कदम उठा ले री। कम्मो तो मैं जाऊं? अरे मैंने कहा ना जाओ। कम्मो मैं जाऊं? जाओ बाबा जाओ। कम्मो तो मैं जाऊं? व्हाट नॉनसेंस, गेट आउट। आ गए हो बेटा लुक्का? हाँ माँ आ गयो तेल लगाए के। बेटा बहू को ना लायो? ना माँ कम्मो ना आई। कहा कह दई बहू ने? गेट आउट। गेट आउट? हाँ माँ गेट आउट। मैं समझी ना बेटा या को मतलब? या को मतलब है माँ मैं होरी बाद आऊंगी। अच्छा तो तेरा मुँह चू फूल रहे है। तुए पतो ना है माँ मेरो कम्मो के बिना मन ना लगे तेल लगाए के। लिवा ला तो पटरानी को चौना लेके आयो। ठीक है अम्मा तू यहाँ ते जा, तू यहाँ ते जा, तू मेरे दिल के दर्द को चौ बढ़ा रही है। मैं ही तो जानू मुँह पे कहाँ बीत रही है। हे टाटवारे बाबा तू मेरी कम्मो को जल्दी बुला दे, मैं तेरो दिन में बस दो टाइम रोटी खा के बर्त रखूंगो। अरे बेटा कामनी ऐसे कब तक उदास बैठी रहेगी? उठ बेटा कुछ काम वगैरह कर ले, सब ठीक हो जाएगा। तू चिंता मत कर, अगर बेटी चाहे तो सत्संग में चली जा, कुछ मन हल्का हो जाएगा तेरा। ठीक है पापा, पर मन तो नहीं कर रहा, पर जब आप कह रहे हैं तो चली जाती हूँ। हाँ बेटा कुछ मन बहल जाएगा, अच्छे महात्मा है। ठीक है पापा। जीव बिन देह नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। देवियों जिस तरह से जीव के बिना देह का कोई अस्तित्व नहीं, उसी तरह से पत्नी का पति के बिना कुछ अस्तित्व नहीं। पत्नी देह है
तो पति जीव, पत्नी नदी है तो पति पानी, अर्थात पत्नी पति के बिना अस्तित्वहीन है। पति एक सेना के समान है जो हर तरीके से अपनी पत्नी की रक्षा करता है। पति एक छत है जिसके नीचे पत्नी सुरक्षित रहकर अपना जीवन यापन करती है। अर्थात पति पत्नी जीवन गाड़ी के दो पहिए हैं जिनसे जीवन गाड़ी चलती है। इसलिए दोनों पहियों का ठीक होना आवश्यक है। अगर एक भी पहिया खराब हो गया तो गाड़ी मंजिल तक नहीं पहुंचती। इसलिए चाहिए दोनों पहियों का ठीक होना अनिवार्य है। पति व पत्नी में समानता होनी चाहिए। पत्नी पति को अपने अनुरूप ढाले, ये नहीं कि उसका तिरस्कार करके छोड़ दे। क्योंकि ये भारत देश है, यहाँ नारियों की महानताओं की गाथाएं गाई जाती है। इतिहास में मैंने पढ़ा है जिन्होंने देश का सिर हमेशा ऊंचा रखा है। सावित्री एक लक्कड़हारे को ब्याही थी, पति की सेवा में अपना जीवन गुजारा और यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ले लिए। सीता जो राज दुलारी थी मगर पति के कारण 14 वर्ष वन में भटकी, कथा यहाँ सभी जानते हैं। अतः नारियों को चाहिए अपने घर को स्वर्ग बनाए और दोनों कुल की लाज रखे। पति की तरक्की में पत्नी का बहुत बड़ा हाथ होता है। नारी चाहे तो क्या से क्या कर सकती है। महारानी जी सोच रही होंगी सारी जमीन जायदाद को हड़प लूंगी, मगर ऐसा कभी नहीं होगा। एक तिनका भी नहीं ले जा सकती, चाहे मुझे दूसरी ही जगह क्यों ना बैठानी पड़े। नहीं मौसी, ऐसा नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं प्रेमचंद की बेटी हूँ। शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं जो रोज करते रहो। शादी दो आत्माओं का बंधन है जो अमर रहता है, कभी टूटता नहीं। तुम्हारी तरह नहीं जो इस घर में तीसरी जगह आई हो, ये मेरा वादा है। इस घर से मेरी डोली विदा हुई थी, अब उस घर से मेरी अर्थी निकलेगी। मैं दोनों कुलों की लाज रखूंगी और अपने घर को स्वर्ग बनाऊंगी। मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी, मैं अपने पति के पास जा रही हूँ। अरे बेटा, ये क्या, कहाँ की तैयारी कर रही हो और कहाँ जा रही हो? पापा, मैं वहीं जा रही हूँ जहाँ तुमने अपनी बेटी की डोली विदा की थी। वो ही मेरा असली घर है। मुझे माफ कर देना पापा, मैं जा रही हूँ। हाँ जा बेटा, ईश्वर से हमेशा खुश रख। अरे मेरी कम्मो आ गई, कम्मो तू आ गई, मेरी चम्मच आ गई, मेरी कम्मो आ गई। मोए पतोई कम्मो मेरे बिना रह ना सके, मोए पतोई ना रह सके। हाँ नाथ, मैं अपने घर आ गई हूँ, मैं अपने घर आ गई हूँ। ये क्या हाल बना रखा है, जाओ नहा धो लो, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। अरे बेटा कम्मो। माता जी मुझे माफ कर दो, मैं पढ़ाई लिखाई के घमंड में पति वे सास की इज्जत करना भूल गई थी। मुझे माफ कर दो माता जी, मुझे माफ कर दो। ना बेटा ऐसा मत कहे, सवेरे को भूलो सांझ को घर आ जावे, वो भूलो ना कहवे। माता जी अब मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। बेटा मैं घेर पे हो आऊं, तू आराम कर। देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ए गीतो किताब है। हाँ अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। अच्छा पढ़ा मोकू। चलो बोलो। ए ए आ आ ए ए ए ए वी ही वी बाबा वी बी बोलो बन अन वन मन वन वन। हाँ बोलो टू हु। नहीं बाबू टू बी टू टू। हाँ अच्छा
अब मैं पढ़गो। अब तुम इसे रोज पढ़ा करो। ठीक है, मैं रोज पढ़ूंगो। ए, लिसन। यस डार्लिंग। आपको मालूम है कि आज क्या है? माय स्वीट डार्लिंग, आज का दिन कैसे भूल सकता हूँ? आज के दिन तो तुम जैसी लक्ष्मी मेरी लाइफ पार्टनर बनी थी। आज के दिन तो मैं तुम्हें तोहफा दूंगा। आई लव यू। आई लव यू टू। भगवान ऐसी लक्ष्मी सी बहू सबको दे।